भदोही संवाददाता ए के फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। कालीन नगरी भदोही के कारपेट एक सपो मार्ट में भारतीय कालीन सर्वधन परिषद द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मेला इंडिया कारपेट एक सपो में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने उत्पाद को निर्यात को द्वारा लगाए गए सभी स्टॉलों का भ्रमण अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विदेशी खरीदारों आयातकों से हालचाल पूछते हुए भदोही जनपद में पहली बार आयोजित कालीन मेले में व्यवस्थाओं व उनके अनुभव की जानकारी ली। खबर देखे विस्तार पूर्वक। मंडलायुक्त ने यूएसए के विभिन्न शहरों न्यूयॉर्क कैरोलिना व यूरोप सहित अन्य देशों से आए आयातकों से उनके अनुभव को जाना। आयोजकों द्वारा बताया गया कि दिल्ली व वाराणसी से भी अच्छा अनुभव यहाँ का रहा। स्टॉल प्रदर्शनी में लगे कालीन बुनाई हेतु हैंडलूम पर विदेशी आयातकों ने उत्साह व जिज्ञासावश कालीन बुनाई के ताने बाने को बुनते समय जमकर सेल्फी ली। पहली बार विदेशी आयातकों ने कारपेट एक सपो मार्ट के अगल बगल के क्षेत्रों में कालीन उत्पादन केंद्रों व बुनकरों के घर जाकर उत्पाद निर्माण प्रक्रिया का विभिन्न चरणों को देखा व समझा। बुनकरों द्वारा किए जा रहे शानदार व लेटेस्ट डिजाइनों की उन्होंने सराहना किया। इसी बहाने उन्होंने स्थानीय बुनकरों के जीवन शैली व संघर्षों से भी रूबरू होने का मौका मिला। विदेशी आयातकों ने बातचीत के दौरान बताया कि भारतीय लोग मिलनसार व सरल स्वभाव के होते हैं। 43वें इंडिया कारपेट एक सपो के शानदार व सफल आयोजन पर उत्साहित मंडलायुक्त ने बताया कि पहली बार आयोजित इस प्रकार के आयोजनों से न सिर्फ अर्थव्यवस्था का विकास होता है अपितु भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक व जीवन शैली का भी वैश्विक स्तर पर दिग्दर्शन होता है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने 4 दिवसीय इंडिया कारपेट एक सपो के भव्य शानदार सफल आयोजन की समाप्ति पर भारतीय कालीन संवर्धन परिषद एकमा उत्पादकों निर्यातकों सभी को बधाई देते हुए धन्यवाद आभार व्यक्त। बात करके मैं उसे व्यवसाय नहीं जानता, मेरी विशेषज्ञता भी इसके प्रति नहीं, लेकिन जो मैं बात किया आयोजकों से बात किया जो जिन लोगों ने अपने एग्जीबिशन में अपने प्रेजेंटेशन किया है उनसे बात किया और जो हमारे बायर्स उनसे बात किया तो सबका ये और सबने बात किया और बड़े सुजम और उत्साह के साथ। अब विशेष रूप से जो हमारे विदेशी बायर्स आए थे उनका जो उत्साह था देखने लायक था। ये संकेत है कि आगे जो भी होगा। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।